जाती उम्र महल के करीब ही एक खातून ने अस्पताल में डॉक्टर न मिलने पर सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। न जमीन फटी न ही आसमां गिरा और लंबे चौड़े प्रोटोकॉल की दिलदादा हुकूमत भी ख्वाबे गफलत से न जागी। अस्पताल और सेहत के मामलात बेहतर बनाने के हुकूमती गुब्बारे से हवा भी निकल गई। साला साल से इक्तदार में मौजूद शरीफ फैमिली के जाती उम्र में महलात के करीब ही टीएचक्यू अस्पताल रायवण में हमला खातून का इलाज ना हो पाया। खातून को अस्पताल लाया गया तो वहां इसे देखने के लिए कोई डॉक्टर ना था। खातून एड़ियां रगड़ती रही मगर कोई पुरसाने हाल न मिला, जिसके बाद इसने सड़क पर ही बच्ची को जन्म दे दिया। इस मौके पर रेस्क्यू एहलकारों ने खुदा खौफी करते हुए खातून को तिब्बी इमदाद दी और इसकी जान बचाई। इस सूरत हाल पर पंजाब हुकूमत के तर्जमान की जरा अनोखी मंतक तो मुलाहजा फरमाइए। 92 न्यूज से बातचीत में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की बात तो जरूर की, लेकिन साथ ही कहते हैं ये मामला गुड गवर्नेंस का नहीं है। ये जो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये गवर्नेंस नहीं है। And there is a poor administration. We'll just make an inquiry into it, probe into it. क्या उसमें अगर कुछ हॉस्पिटल के लोगों की कोई जिम्मेदारी बनती हुई तो उनको बिल्कुल exemplary punishment मिलेगी without any कोई और consideration नहीं होगी इस चीज की। और इस पे आपके तो notice में आपके next bulletin तक मैं आपको exact figure दूंगा। शहाना तर्ज जिंदगी के दिल दादा हुक्मरानों की नाक के ऐन नीचे ये वाकया पंजाब सरकार की गुड गवर्नेंस और सेहत की बेहतरीन तिबी सहूलियात के दावे की भी धज्जियां उड़ा रहा है।